इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने में कोई दिलचस्पी नहीं है ना इंटरेस्ट है. यू नो लोग जो कहना चाहते हैं मेरे बारे में कह सकते हैं. आई नो हु आई एम, आई नो व्हाट आई से. आरके सुनिए, कुछ कहना चाहिए. वेल क्या कहना चाहूँगा, यू नो आर के स्टूडियो था बिकॉज ऑफ माई ग्रैंड फादर. उन्होंने ये स्टूडियो बनाया था उनकी फिल्मों की वजह से, उनके टैलेंट की वजह से. ऑफकोर्स यू फील सैड के दैट स्टूडियो विल नॉट बी एनी मोर, बट आई थिंक आर के इज़ मोर इन द स्पिरिट एंड आई थिंक दैट समथिंग दैट आई वुड रियली लाइक टू टेक फॉरवर्ड, द लेगेसी आई वुड लाइक टू टेक फॉरवर्ड इन प्रोड्यूसिंग फिल्म एंड मेकिंग मूवीज एंड या. नहीं, मैं जो भी कोई मुझसे कोई सवाल पूछता है मैं हमेशा जवाब देता हूँ. बट मुझे इन सब चीज़ों इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने में कोई दिलचस्पी नहीं है ना इंटरेस्ट है. यू नो लोग जो कहना चाहते हैं मेरे बारे में कह सकते हैं. आई नो हु आई एम, आई नो व्हाट आई से. इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने में कोई दिलचस्पी नहीं है ना इंटरेस्ट है. यू नो लोग जो कहना चाहते हैं मेरे बारे में कह सकते हैं. आई नो हु आई एम, आई नो व्हाट आई से. कुछ ऐसे एक्टर्स हैं मैं जानती हूँ. आई थिंक इसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा देयर वाज रणवीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोलें, हमको हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया. सो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आई थिंक रणबीर कपूर वॉज टेलिंग समबडी के मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो. सो हाउ ये देश ने आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं. How can you talk like that? Well, I think election से मैं नहीं, मेरा ऐसा election से कोई जुड़ने का इरादा नहीं है. काफ़ी लोगों को ये भी गलत फहमी है कि मैं politics में जाना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 0% chances भी नहीं है. मगर क्या मैं एक ऐसी युवती हूँ कि जो देश में हो रही चीज़ों से, कुछ ऐसे एक्टर्स हैं मैं जानती हूँ. आई थिंक इसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा देयर वाज रणवीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोलें, हमको हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया. सो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आई थिंक रणबीर कपूर वॉज टेलिंग समबडी के मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो. सो हाउ ये देश ने आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं. हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात कर दें? दिस इज़ इररिस्पॉन्सिबल. क्या मैं वैसे इंसान हूँ? नहीं. उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए. मेरे घर में बिजली पानी आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की पड़ी नहीं हुई है. सो दिस हैज़ टू चेंज एंड आप लोगों को चेंज करना चाहिए, ये इन लोगों को सुनाना चाहिए. हाउ कैन यू लिसन टू दिस के आई कॉन्ट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे तो सबसे बना के चलना है. यू शुड नो, यू शुड टेल पीपल व्हाट यू थिंक इन अ डेमोक्रेसी. आप बताइए पिछले 5 साल कैसा काम हुआ, उस हिसाब से यू चूज योर लीडर. यू शुड टॉक अबाउट योर पोलिटिकल इंक्लिनेशन, हु वट डू यू थिंक एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, वट डू यू थिंक. यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना. दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल. और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई. सो दीज पीपल शुड बी आस, ये आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है. मैं अब आप लोगों का काम भी करने लग गई हूँ, देखो. नहीं मैं डरती हूँ. अरे okay, मैं डरती हूँ. अच्छा, अगर डरती है तो यही रीजन है कि हाल ही में मतलब कंगना ने कहा था कि देयर आर एक्टर्स हु Listen, I definitely don't have that ability to speak as candidly as Kangana does, and I really, really respect her for that. And maybe in a way she's right that sometimes we do hold back, क्योंकि हम नहीं चाहते कि, और maybe that you know you feel like क्यों खामखा बोलना. My dad always says कि there are already so many opinions in the world can do with one less opinion. So I have an opinion, but I'll keep it to myself. But kudos to her because she genuinely speaks really well.